भाइयों दोस्तों, आज आपको सिलाई मशीन की नॉलेज देते हैं, बेसिक जानकारी। लोगों को ला के घर में रख लेते हैं, चलानी आती नहीं है और पड़े पड़े ख़राब होती रहती हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसको, हमारी मशीन है ये और इसको हम छोटी मशीन है, उषा की है। इसको निकालते हैं बाहर, ये नीचे यहाँ लॉक है। इसको ऐसे करेंगे इधर और इस साइड का ऐसे, और यहाँ से पकड़ के ये ऐसे उठा लेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये हमारी मशीन है, ये इसकी पन्नी है, पन्नी को भी हटा के साइड में रख देते हैं। अब हमारी ये मशीन है, इसका ये हैंडल है। हैंडल को पहले सीधा करते हैं, इसको इस तरह से, इसको किस तरह से चलानी है ये देखो, इस तरह से ऐसे ये चलाते हैं, यूं ऐसे इस तरह से चलाते हैं, ऐसे पकड़ के हैंडल लगा हुआ है। अब इसकी ये जो चीज़ है, इससे सिलाई कम और ज़्यादा करते हैं। यहाँ से ऐसे ऊपर करो, ऊपर करोगे तो ऐसे, नीचे करोगे थोड़ा सा लूज करके, ऐसे यहाँ से ढीला करके ऐसे ऊपर नीचे, ये देखो ऐसे नीचे ऊपर ऐसे कर लो। इसको ऊपर करो नीचे करो, जितने नंबर पे चलाना है आपको, जितना छोटा बड़ा टांका लेना है उसी हिसाब से करते रहो, और फिर इसको हल्का से टाइट कर दो। ये हमारी सुई है, सुई यहाँ से ये पकड़ के इसको ऐसे खोल के चेंज करते हैं, ये यहाँ से ये पकड़ के प्लास निकालते हैं, हाथ से नहीं खुलेगी। ये हमारा इसका जो, ये इसमें तेल होता है, तेल की कुप्पी है, और ये प्लास है। प्लास से ऐसे खोलते हैं इसको इस तरह से, ये ढीला हो गया, ये ऐसे खुल गया ही। इसको सुई पकड़ के ऐसे नीचे निकालते हैं, तो इसके ये जो गैप होता है ना इधर, ये एक तरफ गोल होती है, एक साइड में ये गोल होती है और एक तरफ ये फ्लैट होती है। तो इसको जो फ्लैट वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड लेते हैं और यूं करके ऐसे इस तरह से सुई लगाते हैं ऐसे, और फिर इसको पूरा ऊपर तक, जहाँ तक जाएगा ऊपर तक पकड़ के ऐसे इसको टाइट कर देंगे, इसी से इसको टाइट कर देते हैं इस तरह से, ऐसे पकड़ के ये टाइट हो जाएगी। और यहाँ से हमारी डिब्बी इस साइड ऐसे बाहर खींचते हैं, यहाँ से हमारा धागे वाला निकलता है, ये यहाँ से ऐसे उठती है ऐसे, ये बूट ऊपर नीचे, ये पीछे से यहाँ से, और ये हमारा यूं करके ऐसे ये निकल जाता है फिरकी ये, और ये हमारा यहाँ होता है, ये होती है कील जिसमें धागा लगाने के लिए। इसको यहाँ ऐसे ठोक देते हैं, दूसरा है। हल्का सा कैंची से या किसी से, वजन वजन वाली चीज़ से हल्के से ठोक लेंगे, ये इसमें लग गया, इसमें फंसाते हैं धागा ऐसे, और फिर इसमें ये लपेटते हैं इस तरह से, इस तरह से ऐसे लपेट के ये ऐसे इस तरह से करके यहाँ हटा के ये इसको थोड़ा सा लूज टाइट कर लो ऐसे, यहाँ से इस तरह से टाइट करके फंसा के ऐसे ऐसे धागा में, और इसको ऐसे निकालते हैं करके,
बस खींचो ये बाहर, अभी अभी डब्बी में ऐसे इस तरह से ऐसे यहाँ से निकाल गई, ऐसे धागा आ गया। और इसको इस तरह से ऊपर को कर गई, ऐसे कट सी आवाज आएगी लग जाएगी, तो फिर इसको ऐसे कर बंद कर देंगे। फिर हमारा ये धागा है यहाँ से लगाएंगे, इसमें डालते हैं, उसके बाद ऐसे ये इस साइड से ऐसे ये धागा पकड़ के फिर इसको ऐसे दबा देंगे, ऐसे धागा डल गया ये सुई में। अब इसको हल्के से हाथ से इस तरह से इसको चला के ये नीचे वाला ये खींचेंगे, ये देखो ये नीचे वाला आ गया, ये दोनों आ गए। अब इसको पीछे से उठा के ऐसे करेंगे। अब हम कपड़ा लेते हैं, अभी कपड़ा लेते हैं, इसको चला के दिखाते हैं। ये इस तरह से ऐसे पकड़ो और पीछे से इसको पकड़ के यूँ ऐसे। अब ये इसकी सिलाई छोटी है तो इसको बड़ा करेंगे, नीचे लाओ थोड़ा सा, ऊपर ऊपर लाओ ऐसे, थोड़ा और ये देखो। ये देखो चल गई, ये देखो ये देखो, ये हमारा ऊपर नीचे टांका बिल्कुल सेम आ रहा है। और सिलाई बड़ी करनी है तो इसको और ऊपर कर लो, ये ऐसे ऐसे, ये देखो और बड़ी हो जाएगी, ये और बड़ी हो गई। इसको और कर लो, अगर ये धागे में नीचे लूज या टाइट होता है तो यहाँ से ये ऐसे टाइट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा के इसको टाइट कर सकते हैं। और नीचे वाला भी उठा के देखते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके एक बराबर खींचना चाहिए, अगर दोनों एक समान नहीं खींचेंगे तो सिलाई ठीक नहीं आएगी। तो अगर उसमें भी नीचे भी होता है तो लूज टाइट कर ले कर सकते हैं उसको भी, इसमें भी यहाँ एक पेच होता है। ये यहाँ एक डब्बी में छोटा सा पेच होता है तो इसकी छोटी वाली छोटा पेच कस होता है ये, इसको इससे हल्का सा लूज टाइट कर सकते हो, ऐसे खींच के देखो ऐसे सही से खींच रहा है या नहीं। और उसके बाद इसमें तेल, तेल जो डालते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें डालते हैं या चक्के में डालते हैं, और इसके यहाँ भी थोड़ा डालते हैं, इसमें भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं, इसमें 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 थोड़ा थोड़ा डालते हैं। और जो मैन इसका होता है तेल इसके नीचे डलता है, इसमें ये नीचे नीचे इसमें क्या डलता है, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा और यहाँ डलेगा। और इसका जो मैन जो होता है इसको ऐसे निकाल के बाहर, इसको हटा के और ऐसे उल्टा रख के इसका जो सटल होता है ना, ये दो पेच हैं इनको खोल लो और खोल के ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो इसके अंदर ये छोटा सा सटल है, ये देखो ये ऐसे, इसके अंदर अगर धागा चला गया तो समझो बहुत टाइट चलेगी, मशीन चलेगी ही नहीं सही। तो इसको सटल को साफ करके और फिर ऐसा के ऐसे ही लगा के फिर ये पेच टाइट कर दो। देखिए इसको ऐसे चला लो आराम आराम से, जो भी छोटे मोटे घर के काम है सारे हो जाते हैं। नॉलेज जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये देखो इस तरह से,
एक पैर की सिलाई इसको बोलते हैं, जैसे ये पैर है, इसके बराबर ऐसे चलाए तो एक पैर की सिलाई होती है, ऐसे ये होगी एक पैर सिलाई। ये यहाँ से यहाँ मिलेगा एक पैर हो गया, इसको आधा पैर बोलते हैं, ये जो इसका पैर होता है इसको आधा पैर बोलते हैं, इसके बीच में चलाओ तो ये आधा पैर हो गई, ये आधा पैर हो गई, ये इस तरह से। और इसको आगे पीछे करना होता है तो इसको ऐसे ढीला कर दो, ये ऐसे, ये तो ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे ऊपर कर दो, ऐसे ये टांकी सी बन जाएगी। हाँ ये देखो, नहीं तो इसको ऐसे उठा के ही थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कर लो तो टांकी बन जाएगी ऐसे। कोई भी अपने घरेलू छोटे मोटे हैं, कहीं बाजार में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके सारे होते हैं। बॉय बेल एक्स्ट्रा होती हैं, ये एक्स्ट्रा होती हैं, इसके धागे के होते हैं, सुई भी एक्स्ट्रा आती हैं, ये उषा का पत्ता है पूरा, ये एक्स्ट्रा सामान होता है इसका, ये धागे भी एक दो साथ में होते हैं इसमें रख के, और ये इसके पेच हैं, दो पेच आते हैं साथ में, ये छोटे छोटे दो पेच हैं। ऐसी चीज़ों को संभाल कर हो जाती हैं, फिर मिलती नहीं है, इसको ऐसे बंद कर लो। अब इसको ये निकाल के धागा यहाँ से निकाल दो, नहीं तो चलेगा तो उल जाएगा। और इसका ढक्कन रख दो। और कोई नॉलेज जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।